रतलाम में बहुचर्चित यूरिया लूटकांड के मामले में 59 दिनों से फरार चल रहे आलोट कांग्रेस विधायक मनोज चावला को आलोट पुलिस नहीं ढूंढ पाई। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज होने पर कोई रास्ता नहीं मिला, तो विधायक मनोज चावला ने इंदौर जिला हाईकोर्ट जनप्रतिनिधि सुनवाई मामले की स्पेशल कोर्ट में कल देर शाम सरेंडर कर दिया, जहाँ से न्यायालय ने विधायक को सेंट्रल जेल भेज दिया है और आलोट पुलिस को सूचना देकर केस डायरी तलब की है। ज्ञात हो कि 10 नवंबर किसानों को यूरिया की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज चावला द्वारा आलोट में शासकीय यूरिया गोदाम की शटर उठाकर किसानों को खाद की बोरियां ले जाने का कहने के बाद किसान खाद गोदाम पर टूट पड़े और बिना एंट्री के यूरिया की बोरियां ले उड़े थे, जिसके इस बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, जिसकी शिकायत होने पर आलोट पुलिस ने विधायक सहित अन्य पर शासकीय कार्य में बाधा सहित लूट का मामला दर्ज किया था। पूरे घटना में विधायक के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र सिंह जादौन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जबकि विधायक मनोज चावला लंबे समय से फरार चल रहे थे। आलोट पुलिस भी विधायक की कब से तलाश कर रही थी। पुलिस ने उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए भी न्यायालय को पत्र लिखा था। आज इंदौर जिला कोर्ट स्पेशल बेंच में पेश होने गए कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं।